तो भाई मौसम बहुत खूबसूरत हो रखा है केदार का आज दिन में ही, और बादल हो गए, बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। अभी हम जा रहे हैं घूमने, टैटू बनवाने, तो आज देखते हैं टैटू बनवाने के लिए जा रहे हैं। अभी हम नीचे से उतरेंगे ब्रिज के, शॉर्टकट मारेंगे यहाँ से सीधे हेलीपैड पे। तो दोस्तों देखते हैं कैसे टैटू बनाता है वो भाई, कोई केदार में आया हुआ है टैटू बनाने के लिए। तो मेरा भी बहुत टाइम से मन था कि मैं एक टैटू बनवाऊं अपनी नेक पे। तो देखते हैं, अभी सभी लोग रेडी हो रखे हैं टैटू बनवाने के लिए, विवेक भाई भी साथ में हैं। तो अभी चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको वहाँ। मंदाकिनी नदी का तट है जिसमें बाढ़ आई थी, अब इसके अंदर को अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रास्ता है अंदर से यहाँ से। तो हम यहीं से जाएंगे शॉर्टकट लगा के, सीधा हमें घोड़ा पड़ाव जाना है। वहाँ पे वो भैया है जो जिनसे हमारी मॉर्निंग में अभी बात हुई थी टैटू बनाने के लिए। तो बहुत तो विवेक भाई बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं कि टैटू बनेगा। विवेक भाई कह रहे हैं कि पेट पे बनवाना है टैटू, अभी नागराज है। विवेक भाई कहाँ बनवाना है, पेट पे? ये बड़ा सा नाक का टैटू बनवाना चाहते हैं भयंकर। ये देखिए बराबर में मंदाकिनी नदी बह रही है ऊपर ब्रिज से, अभी हम आए हैं। सामने हेलीपैड, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा घाट बनाया जा रहा है, मंदाकिनी नदी के तट पर जो है घाट बनाया जा रहा है ये नहाने के लिए, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह में और हमारा वहाँ पे बहुत जगह जैसे घाट है, प्रयागराज में भी है, तो उसी तरह का घाट मंदाकिनी नदी पे यहाँ पे बनाया जा रहा है काफ़ी टाइम से। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क इसका जो है चल रहा है, अभी जारी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब सीधा हम घोड़ा पड़ाव जाके आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के टैटू वो बनाते हैं। पहले हमें उनकी इंक की जो क्वालिटी है वो देखनी है, अगर इंक की क्वालिटी अच्छी हुई तो हम बनाएंगे, वरना हम फिर जब नीचे यहाँ से उतरेंगे केदार से तब हम बनवाएंगे टैटू। तो चलिए चलते हैं, हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत लगता है मंदाकिनी नदी का नज़ारा देखिए। अभी देखिए काम चल रहा है इधर, तो अभी भीड़ काफ़ी है। अभी भी मार्केट में पहुंच चुके हैं हम। ये जो है व्यापार संघ का गेट है, जब एंट्री करते हैं केदार में तो यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन होता है, ये रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे हैं उधर। ये इधर अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, अभी हेलीपैड आने वाला है। तो दोस्तों धूप निकल चुकी है, मौसम खुल चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सूरज निकल चुका है। अभी ठंड लग रही थी तो बहुत काफ़ी टाइम से। हेलीपैड पे बहुत भीड़ हो रखी है, अभी हेली के वेट में सब लोग बैठे हुए हैं, एक डेढ़ डेढ़ महीना पहले बुकिंग चल जाती है हेली की। तो ये घोड़े खच्चर भी खाली जा रहे हैं अभी। ये इधर पालकी आए, किसी को पालकी बुक करनी हो तो पालकी में भी लोग जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये वो रास्ता है सामने, देखिए जो केदारनाथ का पहला रास्ता था, अब ये जो है आगे से पूरा टूटा हुआ है, ये ख़त्म हो चुका है, यहीं तक है बस। और इससे आगे पूरा जो है आपदा में ख़त्म हो गया था ये रास्ता।
ये जो है 16 किलोमीटर का ट्रैक था, और अभी जो ये वाला ट्रैक है ये 23 किलोमीटर का ट्रैक है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसे ट्रैक करने में। इसकी ट्रैकिंग में अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स लग जाते हैं, 8 to 9 आवर्स। और मेरा एक फ्रेंड आया था वो तो 12 आवर्स में जिसने ट्रैकिंग की थी यहाँ की। लेकिन थोड़ा ये है कि उतर जल्दी जाते हैं यहाँ से, हम तो लगभग 3.5-4 घंटे में नीचे उतर जाते हैं, बाकी नॉर्मली लोगों को जो है 5 घंटे लगते हैं नीचे उतरने में। अभी इधर भी काफ़ी सारे देखिए कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं इधर है, बहुत फैसिलिटीज़ है केदार में रुकने के लिए। तो देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं, अभी मौसम साफ़ है तो हेली की यात्रा अभी बहुत तेज़ी से चल रही है, वेदर पैक होगा तो बंद हो जाता है हेली।